ओके फ्रेंड्स, सो हमने हाउ टू एंटर द नोड्स एंड हाउ टू एंटर द बीम्स उसके बारे में डिस्कशन किया। अभी ये जो बीम हमने ड्रॉ किया, बेसिकली उसकी हमने कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की, दैट मीन्स उसका सेक्शन हमने डिफाइन नहीं किया। तो ये वीडियो में हम बीम का सेक्शन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बीम का सेक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल टैब में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और फिर अगर प्रॉपर्टी सेक्शन ओपन नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी पे भी क्लिक कर सकते हो। प्रॉपर्टी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि आप यहाँ पर कोई भी सेक्शन डिफाइन किया हुआ नहीं है तो हमें सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हम कौन सा सेक्शन डिफाइन करें, स्टील, आरसीसी और किस तरीके से। तो यहाँ पे अगर सेक्शन डेटाबेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सब स्टील की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंडियन कोड सेट है, तो यहाँ पे अगर मैं इंडियन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब इंडियन स्टील सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले है। एस शेप, आई शेप चैनल, आई शेप बीम, सब एम शेप, डब्ल्यू शेप, टी शेप, चैनल शेप, एंगल शेप, ट्यूब, पाइप, तो ये सब मेरा स्टील सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट स्टील सेक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर कोल्ड फॉर्म में आप जाओगे तो कोल्ड फॉर्म में भी इंडियन स्टैंडर्ड की कोल्ड फॉर्म सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर टिम्बर में भी है, टिम्बर में हालांकि इंडियन का कोई कोड नहीं है और एल्यूमिनियम का सेक्शन भी है, तो टिम्बर का और एल्यूमिनियम का सेक्शन भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप सेक्शन डेटाबेस में जाओगे तो आप स्टील या तो फिर एल्यूमिनियम या तो फिर टिम्बर, ये तीनों में से कोई भी एक सेक्शन डिफाइन कर सकते, डिफाइन करके उसको आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, स्टील, टिम्बर या तो फिर एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मुझे आरसीसी सेक्शन डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे डिफाइन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डिफाइन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज है वो आरसीसी सेक्शन के लिए है। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, टी शेप है, ट्रापेजोइडल शेप है, जनरल शेप है, लाइक दैट। तो अगर मैं सर्कल शेप में जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे डायमीटर, जो सेक्शन का जो डायमीटर है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। रेक्टेंगल में मैं जाऊँगा तो उसकी लेंथ और विड्थ वो मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जेड डी मतलब उसकी विड्थ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये उसकी विड्थ है और वाई डी उसकी डेप्थ है और लेंथ हम जो बीम हमने ड्रॉ किए वो लेंथ पे वो अप्लाई हो जाएगी। तो जेड डी मतलब उसकी विड्थ है और वाई डी मतलब ये बीम की डेप्थ है और ये जो सेक्शन आपको शो कर रहा है वो उसका क्रॉस सेक्शन है, ये उसका प्लान नहीं है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है और उसकी जो लेंथ है वो प्लान में से वो कंसिडर कर देगा। तो यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ तो लेट से मेरी जो विड्थ है जेड डी वो है 0.2 मीटर और मेरी जो डेप्थ है वो है 0.3 मीटर। और फिर मटेरियल कंक्रीट और फिर सिंपली आप क्लिक ऑन ओके ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो यहाँ से आपने ये जो रेक्टेंगुलर 0.30 by 0.20 का एक सेक्शन डिफाइन करके रखा हुआ है। अब ये सेक्शन ये बीम में किस तरीके से अप्लाई करना है, ये तो सिर्फ आपने सेक्शन अभी तक ऐड किया हुआ है लेकिन ये सेक्शन ये बीम में अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो ये सेक्शन ये बीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नोड्स कर्सर और बीम कर्सर, ये दोनों कर्सर है, उसमें से आपको बीम कर्सर में जाना है। बीम कर्सर में जाके आपको लेफ्ट क्लिक करके ये सब बीम सिलेक्ट करना है। अगर आप नोड कर्सर में हो तो फिर आप बीम को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर कि आपको बीम कर्सर में जाना है और सबको सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे
मेरी प्रॉपर्टी जो है वो है रेक्टेंगुलर 0.30 बाई 0.20 मीटर, और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम। तो मैं सबको सभी बीम को सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम में क्लिक करूँगा, फिर असाइन कर दूँगा, तो ये मेरी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एक और अलग अलग ऑप्शन है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है कि मैंने एक बीम को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं बीम सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे तीन कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन ये बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है, रेड उसका मिडल पॉइंट है, और ब्लू जो है वो बीम का एंड पॉइंट है। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ग्रीन जो है वो हमेशा कोई भी फ्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ब्लू जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। अब मैंने ये बीम को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और सिंपली क्लिक ऑन असाइन और क्लिक ऑन यस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे R1 प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। R मीन्स रेफरेंस और 1 मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है तो वो सब यहाँ पे लिस्टेड होगी टू नंबर नंबर नंबरिंग पैटर्न में, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे R2 दिखाएगा। यहाँ पे अगर आपने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है तो वो R4 दिखाएगा, लाइक दैट। तो R1 मतलब रेफरेंस 1, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन है। तो ये हमारा पहला मेथड था असाइन टू सिलेक्टेड बीम। अभी दूसरा मेथड है यूज कर्सर टू असाइन। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम में सबसे पहले आपको बीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको अप्लाई कर पाओगे। अभी यूज कर्सर टू असाइन में क्या होगा कि आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप यूज कर्सर टू असाइन में सिलेक्ट असाइन में जाओ, फिर असाइन पे क्लिक करो, तो आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिक वो शेप कंसिडर कर देगा, और फिर आप बीम पे क्लिक करो तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। मैं एस्केप करता हूँ। और जो थर्ड ऑप्शन है असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू मतलब ये व्यू में जितने भी बीम्स हैं वो सभी बीम में मुझे अप्लाई करना है ये प्रॉपर्टीज, और फिर यस। तो मेरे जितने भी बीम हैं सभी बीम में R1 प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक ही सेक्शन है और एक ही सेक्शन सभी बीम में अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली असाइन टू व्यू में जाके असाइन पे क्लिक करके उसको डायरेक्टली इजीली अप्लाई कर सकते हो। और फिर असाइन टू एडिट लिस्ट में आप यहाँ पे लिस्ट को एडिट कर सकते हो कि कौन कौन से मेंबर आपको यहाँ पे असाइन करना है। तो ये वीडियो था बेसिकली हाउ टू डिफाइन द सेक्शन क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द बीम एंड हाउ टू अप्लाई दैट सेक्शन प्रॉपर्टीज टू द बीम। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में।